माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पराठा। उसके लिए मैंने ले लिया है इसके लिए ले लिया मैंने आटा। मैं पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये एक वाटी मैदा। इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल। सॉफ्ट इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट गुन लेना है आपको। इतना सॉफ्ट होने तक आपको इसको गुन लेना है। इसे हम साइड में हटा देते हैं। मैंने उबला हुआ बटाटा ले लिया है। एक या दो सीटी में ये अच्छी तरह से पक जाता है। देखिए इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है। ओके आप चाहे तो इसको हाथ से मैं स्मैश कर सकते हो, या तो इस तरह से भी आप स्मैश कर सकते हो। इस तरह से मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर, मिर्ची का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ढेर सारी धनिया। इसको मिक्स कर लीजिए पूरा अच्छे से। स्वाद अनुसार नमक, मैं बोलना भूल गई आपको, नमक डालना है आपको, अच्छे से मिक्स करना है आपको। हमारा मसाला रेडी है। मैंने इतनी छोटी लोई ले लिया है, आप थोड़ी इससे बड़ी भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा लाट लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा। इसमें 1 चम्मच में मसाला डाल रही हूँ जो हमने रेडी किया है इस तरह से। इसको छोटी सी इस तरह से लोई बना लेनी है, पैक कर लेना अच्छे से। और इसे आटा लगा के हल्के हाथ से लाट लेना है इस तरह से। आप मैंने इतना छोटा ही लाटा है, आप इससे ज्यादा या कम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा करोगे तो इसमें फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब इसको हम सेक लेंगे और जैसे ही गर्म हो जाए इस पर आपको ये डाल देना है इस तरह से। साइड साइड से तेल लगा देना है इस तरह से। ऊपर भी इस तरह से ऐसे लगा दीजिए आप, जब हम पलटे तो वो चिपके ना। इसको पलट दीजिए, तेल लगा दीजिए इस तरह से। फिर पलट दीजिए, से पता चल रहा है कि ये सब जगह आलू अच्छे से फैल गया है। आपको इसी तरह से बनाना है, धीरे हाथ से आपको लाटना है और इसी तरह से पकाना है आपको।